यहाँ तक और हम लोग को मुसीबत में मुसीबत बढ़ रहा है। खाने पीने का जितना भी सामान था वो भी खत्म हो चुका है। पानी की बोतल 50 से 80 रुपए में मिल रही है। तीन जेसीबी आया, तीन में से दो का तेल खत्म हो चुका है। भोले के सहारे हम लोग जब तक है तब तक खुलेगा, जब तक नहीं जाएंगे। आज खुले या चार दिन के बाद भी खुल सकता है। अभी तक 8 घंटे हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है। आपको जाना कहाँ है? बाबा केदारनाथ जाना है। अभी कोई व्यवस्था नहीं है, मशीन आ रही है, मशीन आने के बाद में थोड़ी देर काम करते हैं, भूस्खलन हो रहा है ऊपर से, फिर वापस हो जाती है सर। पहाड़ों में लगातार बारिश जारी है, बारिश के कारण हालात अस्त व्यस्त हो गए। खासकर इस बारिश और भूस्खलन ने केदारनाथ की यात्रा पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है। जगह जगह केदारनाथ हाईवे ब्लॉक हो रहा है और सैकड़ों की संख्या में केदारनाथ आने वाले यात्री यहां फंस रहे हैं। इस समय हम केदारनाथ हाईवे पे रुद्रप्रयाग के निकट मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पे हाईवे पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। हाईवे पे पहाड़ी से भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा गिर गया है, जिस कारण हाईवे पे कल देर रात से आवाजाही बंद है। हाईवे के खोलने का कार्य लगातार जारी है, लेकिन पहाड़ी से बोल्डर गिरने के कारण कार्य यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, जिस कारण जो तीर्थयात्री हैं उन्हें भारी दिक्कतें हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीर्थयात्रियों की लंबी लाइन लग चुकी है, हजारों की संख्या में यहाँ यात्री फंसे हुए हैं और यात्रियों को भारी परेशानियों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। इस बीच यात्री यह भी आरोप लगा रहे हैं कि वह 12 घंटे से यहाँ पे फंसे हैं, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं ली जा रही है। और यात्रियों की यह भी शिकायत है कि जो यहाँ पे स्थानीय होटल ढाबा संचालक हैं, उनके द्वारा यहाँ पे उनसे डबल रेट लिए जा रहे हैं। कुछ यात्री मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या दिक्कतें हो रही है। आपका नाम क्या है? रूपेश कुमार। बिहार, कहाँ से आए आप? बिहार पटना से। कब से यहाँ पे फंसे हुए हो? 8 घंटे हो चुके हैं। कुछ मदद की प्रशासन ने? मदद नहीं की उन्होंने। यहाँ तक और हम लोग को मुसीबत में मुसीबत बढ़ रहा है। खाने पीने का जितना भी सामान था वो भी खत्म हो चुका है। पानी की बोतल 50 से 80 रुपए में मिल रही है। तीन जेसीबी आया, तीन में से दो का तेल खत्म हो चुका है। अब क्या करेंगे? यहाँ भी रोड बंद है, आगे भी रोड बंद है। भोले के सहारे हम लोग जब तक है तब तक खुलेगा, जब तक नहीं जाएंगे। आज खुले या 4 दिन के बाद भी खुल सकता है। अभी तक 8 घंटे हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है। आपको जाना कहाँ है? बाबा केदारनाथ जाना है। आप कहाँ से आए हो? मैं ड्राइवर जी, मैं हरिद्वार से आया हूँ। शाम 7 बजे से फंसा हूँ सर मैं यहाँ पे। अभी कोई व्यवस्था नहीं है, मशीन आ रही है, मशीन आने के बाद में थोड़ी देर काम करते हैं, भूस्खलन हो रहा है ऊपर से, फिर वापस हो जाती है सर। तो इसी परेशानी में ना कोई यहाँ पे खाने का, ना कोई पीने का, कोई कुछ भी नहीं है सर। यहाँ कोई सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से सर। यहाँ पे कोई आया सड़क देखने के लिए? सर आए तो सुबह आया था सर, वो आप जो है ना SDM वगैरह आए थे यहाँ पे, वो देख कर चले गए थे यहाँ से। फिर उसके 2 घंटे के बाद भी मशीन आई सर यहाँ पे। आपको कहाँ जाना है? मेरे को जाना है सर केदारनाथ सीतापुर। लगातार बारिश बढ़ती जा रही है, हजारों की संख्या में यात्री यहाँ फंसे हुए हैं और यात्रियों का सबसे बड़ा आरोप यह है कि उनकी किसी भी प्रकार से सुध नहीं ली जा रही है। जो स्थानीय होटल ढाबा संचालक हैं, उनके द्वारा यहाँ पे उनसे दोगुने दामों में सामान खरीदा जा रहा है। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग।